हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे शैले होटल्स लिमिटेड का जो आईपीओ आने वाला है उसके बारे में। और इस आईपीओ का हम यहाँ पे रिव्यू करेंगे और आपको यहाँ पे हम डिटेल एनालिसिस करके बताएंगे कि आपको इसके लिए अप्लाई करना चाहिए या फिर इसको अवॉइड करना चाहिए। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें क्योंकि इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा जो ये आईपीओ सही है या नहीं है, इसको अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, इसका जो आईपीओ ओपन होगा वो 29 जनवरी 2019 को ओपन होगा और क्लोज जो होगा वो 31 जनवरी 2019 को क्लोज होगा। और इसका जो प्राइस बैंड है वो 275 से लेके 280 रुपीज तक। और इसका जो लॉट साइज है वो 53 शेयर्स एंड इन मल्टीपल है। अगर आप इसके लिए अप्लाई करते हैं तो जो मैक्सिमम प्राइस आपको पे करने होंगे वो है 14,840 रुपीज। अब हम इसका आईपीओ टाइमलाइन देख लेते हैं। फाइनलाइजेशन ऑफ द अलॉटमेंट जो होगा वो 5th of Feb 2019 को होगा। अगर आप इसके लिए अप्लाई करते हैं तो 5th Feb को आपको पता चल जाएगा कि आपको ये अलॉट हुआ है या फिर नहीं हुआ। अगर ये आपको अलॉट नहीं होता है तो 6th फरवरी 2019 को आपको रिफंड मिल जाएगा और जो शेयर्स है वो डीमेट अकाउंट में ट्रांसफर होंगे 7th फरवरी 2019 को। इसका जो लिस्टिंग है बोथ NSE और BSE पे लिस्टिंग है। इसका जो लिस्टिंग डेट है वो फरवरी 8 2019 है। अब हम कंपनी का ओवरव्यू देख लेते हैं। शैले होटल्स एक मुंबई बेस्ड कंपनी है और ये बहुत सारे बिजनेस में इन्वॉल्व है, जस्ट लाइक ओनिंग डेवलपिंग एंड एसेट्स मैनेजमेंट में ये इन्वॉल्व है। और इसके हाई एंड होटल्स है और मेट्रो सिटीज अक्रॉस इंडिया में इसके होटल्स लोकेटेड है और इसके होटल्स काफी प्राइम लोकेशन पे लोकेटेड है जिसके कारण से इसको काफी बेनिफिट्स मिलता है। इसका जो एसेट मैनेजमेंट मॉडल है वो काफी अच्छा है और वो काफी एक्टिवली वर्क कर रहा है। कुछ और डिटेल्स हम देखते हैं। शैले होटल्स की बात करें तो ये के रहेजा ग्रुप का होटल्स है और के रहेजा ग्रुप एक लीडिंग बिजनेस ग्रुप है इन इंडिया। और ये जो होटल्स जो मैनेज करते हैं वो कुछ ग्लोबल ब्रांड इस होटल्स को मैनेज करते हैं, जस्ट लाइक JW मैवियट, मैवियट वेस्टिन, मैवियट एग्जीक्यूटिव अपार्टमेंट्स, ये सारे इस होटल्स को मैनेज करते हैं। अभी इसका 5 ऑपरेशनल होटल्स है जो कि लोकेटेड है मुंबई, हैदराबाद और बेंगलुरु में और ये सारे एकदम प्राइम लोकेशन पे लोकेटेड है। और ये 5 ऑपरेशनल जो कि होटल है वो लग्जरी होटल्स है और इनमें लग्जरी फैसिलिटी अवेलेबल। अब हम शैले होटल्स का फाइनेंशियल्स देखते हैं। इसका जो टोटल एसेट था वो 2015 में 34,401 मिलियन था, 2016 में ये इंक्रीज होके 35,529 मिलियन हो गया और 2017 में ये फर्दर इंक्रीज होके 37,379 मिलियन तक पहुंच गया और 2018 में इसमें और अपसाइड देखने को मिला और ये 38,300 मिलियन तक इसका टोटल एसेट पहुंच गया। अगर हम टोटल रेवेन्यू की बात करें तो टोटल रेवेन्यू इसका 2015 में था 4,617 मिलियन, 2016 में इंक्रीज होके 5,975 मिलियन पर पहुंच गया और 2017 में इसमें मेजर अपसाइड देखने को मिला और इसका टोटल रेवेन्यू 9,245 मिलियन पहुंच गया और 2018 में स्लाइट इंक्रीज हुआ और 9,295 मिलियन इसका टोटल रेवेन्यू पहुंच गया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2015 में इसका नेगेटिव था, 2016 में भी नेगेटिव रहा है, 2017 में फर्स्ट टाइम इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पॉजिटिव में आया जो कि था 1,274 मिलियन और 2018 में जो इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था वो 311 मिलियन था। तो इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का जो डाटा है वो उतना इम्प्रेसिव नहीं है। इसका अगर टोटल रेवेन्यू की बात करें तो टोटल रेवेन्यू इसका 2014 से लेके 18 तक अभी ये 14.83 CAGR के साथ ग्रो किया, तो ये काफी इम्प्रेसिव है कि इसका टोटल रेवेन्यू 14.83 यानी अप्रॉक्स 15% CAGR के साथ ग्रो किया। अब हम इसका वैल्यूएशंस देख लेते हैं। अर्निंग पर शेयर्स की बात करें तो इसका अर्निंग पर शेयर्स काफी कम है, यानी अप्रॉक्सिमेटली 2 रुपीज पर शेयर्स है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो ये भी काफी कम है, 5.74% है और फेस वैल्यू रुपीज 10 है। और इसका जो वैल्यूएशन है वो काफी कम है और कंपनी के ऊपर डेप्ट भी है, तो ये सब चीज देखते हुए ये उतना अट्रैक्टिव नहीं लगता है इसको अप्लाई करने के लिए। बेटर ये रहेगा कि आप इसको अवॉइड करें। लेकिन आपको एक चीज और देखना है, जो इसका जो आईपीओ ओपन हो रहा है वो 29 जनवरी को ओपन हो रहा है। अगर 29 जनवरी और 30th जनवरी दो दिन अगर इसका आईपीओ का रिस्पांस अच्छा रहता है, यानी अच्छा नहीं ये काफी अच्छा रहता है, तब आप 31st जनवरी को इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर 29 जनवरी और 30th जनवरी को इसका आईपीओ का रिस्पांस उतना अच्छा नहीं रहता, यानी ज्यादा लोग इसके आईपीओ के लिए अप्लाई नहीं करते, तो आपको भी अप्लाई नहीं करना, तो आप इसको अवॉइड मान के ही चले। लेकिन आपको इस पे नजर बनाए रखना, अगर इसका ज्यादा लोग इसके आईपीओ के लिए अप्लाई करते हैं तब आपको अप्लाई कर देना, नहीं तो इसको अवॉइड कर देना। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा शैले होटल्स का जो आईपीओ आने वाला उसमें आपको क्या करना। सो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
अगर आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है या फिर कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या नहीं तो आप हमें व्हाट्सएप या फिर ईमेल आईडी पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।